गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू कान्हा चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑनियन स्प्रिंग रोल। ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी और बहुत कम चीज़ों में बनने वाली है। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ऑनियन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल। बाउल में हम डाल देंगे एक कप मैदा। हमने इस कप से हम इसी कप से सारा मेजरमेंट करते हैं। तो मैंने एक कप मैदा लिया है। यहाँ हम डाल देंगे आधी चम्मच नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें पतला सा घोल तैयार कर लेना है। हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डाल। कोई लम्स, कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। तो घोल तो हमारा रेडी हो गया है सीट के लिए। अब इसे हम साइड में रख देते हैं, इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए मैंने लिया है एक बाउल। इसमें हम डाल देंगे एक कप ऑनियन। मान के चलिए 5 ऑनियन मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया था। इसमें जाएगा 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आधा कप पोहा, इसे मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। ऑनियन लिया है तो यहाँ पर मैंने चूड़ा लिया है आधा कप। मान के चलिए आधा कप से थोड़ा कम। यहाँ हमें डाल देना है फ्रेश हरी धनिया बारीक चॉप किया हुआ। इसी के साथ हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। आधी चम्मच हमें डाल देना है नमक। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। आधी छोटी चम्मच हमें रेड चिली पाउडर लेना। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। आधी छोटी चम्मच हमें नींबू का रस ले लेना है। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, पर हाथों से मिक्स करना है हमें। पोहा हमारा मुलायम हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑनियन और नींबू का रस पड़ा है। इसके वजह से जो पानी ऑनियन और नींबू का रहेगा वो हमारा चूड़ा अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम मुलायम हो जाएगा और बढ़िया फ्लेवर आएगा गाइस। अब इसे हम ढककर रख देते हैं। जब से हम सीट बनाएंगे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इस घोल में हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा अंदर से क्रिस्पी आएगा गाइस। तो इसे मिक्स कर देते हैं। तो लीजिए, मैंने इसे भी मिक्स कर दिया है। गैस पे चढ़ा दिया इस तरह का पैन। गैस को कर ले रहे हैं ऑन। अब लेंगे एक करछा घोल। इस घोल को यूं गोल गोल हमें घुमाना है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये सीट। घर ही पे बना सकते हो आसानी से आप लोग। अब ये धीरे धीरे अपने आप सूख जाएगा। ये देख रहे हैं आप, फूल रहा है और ये बगल बगल से हो चुका है। हर तरफ से ये सूख गया है, थोड़ा सा रह गया है बीच में, ये आपको दिख रहा होगा फूला फूला। तो ये ड्राई हो चुका है, हमें धीरे से ठा लेना है। ये देखिए, बस इस तरह से हमें एक करछा डाल, ये बस। अब इसे गर्म होने देंगे। ये जब होता जाएगा तो अपने आप ये ड्राई होता नजर आएगा। ये देखिए, बगल बगल छूट रहा है। अब हमें क्या करना है, धीरे से पकड़ना है। इस तरह से हमें धीरे से पलट लेना है। दोबारा से हमें यही करना है।
सो गाइस, मैंने सारे सीट तैयार कर लिए हैं। आप जब भी सीट रखें थाली में, प्लेट में, तो आप ऑयल पहले लगा दीजिएगा, फिर हमें उस पर रखना है, फिर ऊपर से इस सीट पर हमें ऑयल लगाते जाना है, तभी हमें इस सीट को एक दूसरे पे रखना है। नहीं तो क्या है, एक दूसरे पे चिपक जाएगा तो निकलेगा नहीं, चिपक जाता है तो जल्दी निकल नहीं पाता है गाइस। इस वजह से इस तरह से आप ऑयल लगा के तब इसके ऊपर सीट रखते जाइएगा, और प्लेट में तो ज़रूर आप ऑयल लगा। तो हाँ, हमारा देखिए पोहा भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, इसे हम रख देते हैं साइड में। एक सीट उठाते हैं धीरे से, बहुत धीरे से उठाना पड़ेगा आपको, नहीं टूटने का डर होता है। थोड़ा सा हमें स्टफिंग डालकर इस तरह से धीरे से हमें उठा के, आप देख रहे हो ना, टूटने का बहुत गुंजाइश होता है गाइस। तो आप जब भी भरिएगा तो बहुत धीरे से, मैंने जल्दबाजी में थोड़ा सा किया, और ये देखिए फिर भी मैं बना दे रही हूँ। ये जो मैंने मैदे का घोल तैयार किया था, उसे हमें इस तरह से चारों तरफ लगा देना है ताकि ये कवर हो जाए, खुले ना। खुल जाएगा तो हमारा सारा स्टफिंग बाहर निकल आएगा, इसलिए आप अच्छे से लगा दीजिएगा मैदे को, मैदे वाले घोल को, फिर इस तरह से करिए और ये लीजिए, और धीरे से हमें ऐसे करके हो गया। धीरे से आप इसको उठाइए यूँ, और मैंने जो इसको बनाया था घोल मैदे का, इस तरह से चारों तरफ हमें लगा देना है। आप इसे बढ़िया से लगाइएगा ताकि अच्छे से चारों तरफ चिपक जाए अच्छे से। और ये लीजिए, इस पे मैंने कर दिया, और ये इस पे अब हमें धीरे से पलटते जाना है यूँ, बन गया ना। एक मेरा बन गया, ये दूसरा यूँ धीरे से उठाइए, और ये घोल इस तरह से चारों तरफ हमें लगा देना है। हमें आपको दोबारा से बताना पड़ रहा है ताकि आप ये ना सोचे, जिस तरफ हम पलटे रहेंगे, जिस तरफ ऊपर का भाग सीखेगा, उसी तरफ हमें ये फिलिंग भरना है, नहीं आप दूसरे तरफ करेंगे तो उससे टूटने का डर है, जैसे मेरा पहला टूटा था। तो यूँ यूँ गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था और ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए, तो जब ये गर्म हो जाएगा तभी हमें डालना है। ऑयल गर्म हो चुका है, इस पे हम धीरे से डालते जाएंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमें निकाल लेना है, हमें बहुत आराम आराम से डालना है क्योंकि धीरे से मैं खुलने वाला था। इसी तरह हमें शरीर सबको डाल देना है, और जब हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तभी हमें पलटना है। सो गाइस, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।